ये मथुरा के रहने वाले प्रकाश चंद्र अग्रवाल हैं, जो बंगाली घाट क्षेत्र में चूना कंकड़ पर रहते हैं। और आजकल क्या कहते हैं आप, व्यवस्थाओं को लेकर, अपने आंदोलन को लेकर क्या कुछ चल रहा है आपका? नया अभी आंदोलन ये चालू करना है, दिल्ली सरकार में बिजली की यूनिट 200 यूनिट फ्री है। तो मेरा ये कहना है, दिल्ली की तर्ज पर यूपी में 200 यूनिट फ्री गए, नहीं तो गरीबों को उनसे 50 यूनिट फ्री गए। इसको लेकर मैं 20 तारीख से वृंदावन में एक दिन का धरना दूंगा। और नगर निगम द्वारा जो पानी में जो टेस्ट लगाया, तो दिल्ली की तर्ज पर पानी फ्री गया, ये मेरी मुख्य मांग है। तो अभी आपका धरना चल रहा है? हाँ, धरना मेरे ऑफिस टाइम चल रहा है, आज मैं सिटी में शेयर किया गया था। कहाँ पर चल रहा है? नगर निगम गेट पर, 10 से 5 चलता है, आज संडे है। 10 से 5 नगर निगम के गेट पर आप, यहाँ जनरलगंज में? जी है ना। और आपकी डिमांड है? डिमांड अभी आई है। तो ये नगर निगम कैसे पूरा कर पाएगा आपकी डिमांड को? 90 से 900, 10 गुना महंगा, दुकान के 2400, ये गलत है। पालिका थी वृंदावन, इससे तो पालिका भैया थी, पालिका से नगर में बिगाड़े। हमने वृंदावन ये कहा था कि पालिका भैया सही है या निगम, इसका जन्म संघ कार्य है महानगर जनता से। इस बात को लेकर मैंने धरना भी दिया हुआ है जी। उसको मैं कोशिश करूंगा हाईकोर्ट में कि जन्म संघ कार्य है, कि पालिका सही है। विभिन्न विभिन्न मांगे हैं, मांगे कम से कम बहुत है, बहुत पेंडिंग चल रही है। अच्छा, मेरा घर के चोरी का खुलासा नहीं हुआ, इसको लेकर मैं चल रही है हाईकोर्ट में चल रहा है। अच्छा, मेरे घर की चोरी का खुलासा नहीं हुआ, इसे मैं बर्बाद हो गया जी। और वैसे आप आबाद थे, मतलब अभी आपने कहा कि मेरे घर में चोरी हो गई और उसका खुलासा नहीं हुआ, जिससे मैं बर्बाद हो गया, तो उससे पहले आप आबाद थे? सामान बेचते थे, पैसा इकट्ठा किया, वो चला गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप देखना चाहते तो घर पर देख सकते, मैं प्लास्टिक होकर सोता हूँ, प्रशासन ने मेरे कम्बल तक नहीं दिया, भी नहीं है, ये देख सकते हैं। खाना पीना कहाँ से चलता है? खाना पीना तो मैं फुटपाथ पे अपना सामान किताब बेच करके अपना काम चलाता हूँ। और आंदोलन भी करते हैं आप? सुबह हाईकोर्ट में लिखा हुआ है कि मैं सुबह 6 से 10 बजे फ्री का सामान बेचूंगा, शाम को बेचूंगा, आंदोलन अपना चीज है। हाईकोर्ट में लिखा हुआ है, दिया हुआ है मेरा, हाईकोर्ट पूछती है कि आप क्या करते हैं, मैं सब फुटपाथ पर सुबह स्कूल में किताब बेचता हूँ और शाम को जो है अच्छा, हाईकोर्ट के लिए फीस वगैरह कहाँ से लाते हैं आप जी? हाईकोर्ट के लिए फीस कहाँ से लगती है? मैं इन पैसा खुद बैठ कर रहा हूँ ना, सब बैठ कर रहा हूँ, फीस नहीं लगती है, मैं वकील नहीं करता हूँ, मैं खुद हूँ। अच्छा, हाईकोर्ट में खुद बैठ करता हूँ, अभी मेरी हाईकोर्ट में 30 रुपए की ब्याज पर लड़ाई चल रही है। अच्छा, मैं कल डीएम को लिखा भी है कि डीएम ने मना कर दिया ब्याज देने से, 1000 रुपए पे 3% 30 रुपए ब्याज की, 18 मार्च 2020 को 1 घंटे तक बहस हुई, मैंने सब ब्याज 3% चाहिए, ये मांगे 10% ब्याज नगर निगम, मैं नगर निगम को 10% ब्याज 60 रुपए, 400 रुपए 60 रुपए ब्याज मांगे, मैं नहीं दूंगा, कोर्ट कहेगी तो दूंगा, नहीं दूंगा, कोर्ट का खर्चा मेरे लिए कुछ नहीं है।